सबने मिलके, और बाकी सब तो वीडियोस में आपके सामने ही है कैसे इन्होंने मुझे किया है सबके सामने टॉर्चर किया। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, फैसलाबादी लड़की डॉक्टर खदीजा का नया होलनाक इंटरव्यू सामने आ गया। डॉक्टर खदीजा पर शेख दानिश किस तरह तशद्दुद करता रहा, असल कहानी सुना दी। दानिश डॉक्टर खदीजा से क्या चाहता था, डॉक्टर खदीजा के नए इंटरव्यू में दिल दहला देने वाले इनकशाफात। अभी चंद सेकंड बाद आपके साथ डॉक्टर खदीजा का नया आज का वायरल इंटरव्यू शेयर करने वाले हैं, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा कि किस तरह एक लड़की को बाअसर शख्सियत की तरफ से जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अना खुद भी नशा करती है और अपने वालिद को भी क्रिस्टल और कोकेन फराहम करती है। शेख दानिश को जब कल अदालत में पेश किया गया, उस वक्त अदालत में शदीद गहमा गहमी पैदा हो गई। वकला की जानब से शेख दानिश पर हमला भी किया गया, जिसके बाद पुलिस की जानब से बड़ी मुश्किल के साथ दानिश को वहाँ से बाहिफाजत किस तरह निकाला गया, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वकला की जानब से शेख दानिश पर हमले के बाद पुलिस की भारी नफरी भी बुलाई गई और इस तरह शेख दानिश की जान बची। वकला की जानब से शदीद गुस्से का इजहार करते हुए बताया गया कि हमारे घर में भी माएँ बहनें हैं, लिहाजा अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अभी आप डॉक्टर खदीजा का नया दिल दहला देने वाला इंटरव्यू उन्हीं की ज़ुबानी सुने। शेख दानिश और अपने साथियों के साथ हमें हमारे घर से किडनैप करके ले गए, वहाँ ले जा कर इन्होंने मेरी तजलील की है, मुझे टॉर्चर किया है, मेरे बाल काटे हैं इन सब ने मिल के, और बाकी सब तो वीडियोस में आपके सामने ही है कैसे इन्होंने मुझे किया है सबके सामने टॉर्चर किया इन्होंने। तो हमेशा से ही आती थी, बहुत देर से थ्रेट्स दे रहे थे जी। मैं उन सबसे यही अपील करना चाहूँगी कि किसी किस्म के भी प्रेशर में आए बगैर वो मुझे इंसाफ दिलाएं, क्योंकि इस वक्त मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। कल से एक तस्वीर बड़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें सुर्ख सूट में एक लड़की जेल में है और ख़ुद को शेख दानिश की सेक्रेटरी बता रही है, जबकि असलियत तो ये है कि ये लाल सूट में मलबूस लड़की शेख दानिश को ड्रग फराहम करती है। ये लाल सूट वाली लड़की खदीजा को डराती धमकाती रही कि जूते चाटो, अना से माफ़ी मांगो, जबकि ये वही लड़की है जिसने सहाफ़ियों के साथ बदतमीज़ी की और गालियां भी दी। कल से सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ वायरल है कि शेख दानिश को ज़मानत मिल चुकी है, जबकि आपको बता दें शेख दानिश के घर से 25 लाख रुपए की शराब बरामद हुई है और इस वक्त 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर है। खदीजा की जानब से होलनाक इनकशाफ किया गया कि अना अपने वालिद को लड़कियां लाकर देती है। इस ख़तरनाक इनासर की जानब से डॉक्टर खदीजा पर दबाव डाला जा रहा है और डराया धमकाया जा रहा है, जबकि डॉक्टर खदीजा की एक वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें डॉक्टर खदीजा शेख दानिश को माफ़ करती दिखाई दे रही है, जबकि रियलिटी तो ये है कि ये वीडियो भी डॉक्टर खदीजा से डरा धमका कर रिकॉर्ड करवाई गई। डॉक्टर खदीजा की जानब से कल शाम एक वीडियो रोते हुए बनाई गई, जिसमें डॉक्टर खदीजा का कहना था। इस वीडियो में कहा गया कि मैंने शेख दानिश को माफ़ कर दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इंसाफ चाहिए और दानिश को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए। जबकि शेख दानिश की जानब से डॉक्टर खदीजा को मज़ीद नुकसान भी पहुँचाया जा सकता है। फैसलाबाद में होने वाले इस दर्दनाक वाक़े पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा।